हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुमन तिवारी एंड यू आर वाचिंग टेक बी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट PIR सेंसर। अ पैसिव इंफ्रारेड सेंसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेजर इंफ्रारेड लाइट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन फील्ड ऑफ व्यू। बेसिकली PIR सेंसर एक प्रकार का सेंसर होता है जो कि क्या करता है, हमारे ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स की बॉडी से निकलने वाली हीट को क्या करता है, सेंस करता है। ये क्या करता है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स इनकी बॉडी से हर एक सेकंड पे कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो रिलीज़ होते रहती है। हमको पता नहीं चलता, बट क्या होता है कि हमारी बॉडी से हर एक सेकंड पे कुछ ना कुछ वो पर्टिकुलर हीट जो है वो हमारी बॉडी से वो रिलीज़ हो रही है। तो PIR सेंसर उस हीट को क्या करता है, सेंस करके हमको सिग्नल में आउटपुट देता है। अब बात करें तो हम लोग PIR सेंसर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो मोस्टली जैसे हमको एज अ सिक्योरिटी अलार्म लगाना है या ऑटोमेटिक लाइटिंग हमको लगानी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी एप्लीकेशंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, PIR सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली मैं बात करूँ हम लोग के डेली लाइफ में, तो जैसे हम लोग नॉर्मली शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो डोर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोग एक सेंसर ही यूज़ कर रहे हैं जो कि है आपका पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, जो कि क्या कर रहा है, हमारी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस को डायरेक्टली सेंस करके हमको सिग्नल में आउटपुट दे रहा है। और आउटपुट कैसे दे रहा है, एक मोटर के थ्रू वो वहाँ पे आउटपुट दे रहा है, जिससे डोर जो हो रहा है वो हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है, ओपन हो जा रहा है। ये तो बात हो गई PIR सेंसर के बारे में। अब हम बात करें कि बेसिकली PIR सेंसर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उसमें लगे होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं उसके पिन, सबसे पहले पिन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पिन कॉन्फ़िगरेशंस में देखें तो एक उसमें GND का पिन होता है, एक पावर का होता है और एक होता है आउटपुट का होता है। जैसा कि दोस्तों प्लस और माइनस किसी भी चीज़ में कॉमन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, और जो एक एक्स्ट्रा जो हम लोगों को इसमें मिल रही है वो आउटपुट है। और आउटपुट हम लोगों को क्यों मिल रही है, जो हम लोगों को सिग्नल में जो आउटपुट मिलेगी वो इस आउटपुट के थ्रू ही मिलेगी, जो कि हाई या लो दोनों हो सकती है। अब इसके मैं ऊपर पार्ट की बात करूं तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में एक फ्रेसनेल लेंस लगा होता है। फ्रेसनेल लेंस क्या करता है, बेसिकली वो चारों तरफ से आने वाली इंफ्रारेड तरंगों को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को लेंस क्या करता है, अपने ऊपर फोकस डालता है, जिससे सेंसर जो होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली जो फ्रेसनेल लेंस क्या कर रहा है, जितनी भी हमारी रेडिएशंस आ रही है उसको अपने ऊपर फोकस करके हमारी जो सेंसर है उसको वो एक्टिवेट कर देता है। अब मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिख सकता है, आप देख सकते हैं कि दो पोटेंशियोमीटर आप लोगों को दिख रहा है। एक पोटेंशियोमीटर होता है डिले टाइम एडजस्टमेंट के लिए, एंड सेकेंड वाला पोटेंशियोमीटर होता है डिस्टेंस एडजस्टमेंट के लिए। अब डिले टाइम एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि डिले टाइम एडजस्टमेंट का यूज़ हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज जो कि सिग्नल में मिल रही है हमको, जो जैसे कि हमको उसमें सिग्नल में पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है उसको कितने टाइम तक हम रखते हैं, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग डिले टाइम एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। अब डिस्टेंस एडजस्ट पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसके हेल्प से हम लोग उसका डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि एक PIR सेंसर का अगर नॉर्मली मैं रेंज की बात करूँ तो 6 मीटर के आसपास इसका रेंज सेंस करने का एक रेंज होता है। तो 6 मीटर से ज़्यादा अपन सेंस नहीं कर सकते, बट 6 मीटर के अंदर सपोज़ हमको 3 मीटर सेंस करना है, 4 मीटर सेंस करना है या 5 मीटर सेंस करना है, तो डिले एडजस्ट पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम उसके डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जो दो अलग अलग इसमें पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं, एक डिले टाइम का और एक आपका है डिस्टेंस एडजस्ट का। अब मैं बात करूं चिप के बारे में, तो जो चिप है वो इसका BI-SSS-0001, ये एक इसमें 16-पिन IC का एक चिप लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को हैंडल करके हमको एज अ सिग्नल में क्या करता है, आउटपुट देता है। तो ये चिप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंसर का। अब हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 3 अलग अलग पिंस दिख रहे हैं, जम्पर की सेट लगी हुई है H और L। H वाली जो है वो रिपीट ट्रिगर है और L वाली जो है वो सिंगल ट्रिगर है। तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं,
अगर हम लास्ट के दो पिन में जंपर सेट का यूज़ करें, तो लास्ट के दो वाले पिन में अगर हम जंपर सेट लगाते हैं तो जो हमारा PIR सेंसर होता है वो रिपीटेबल मोड में चला जाता है। अब रिपीटेबल मोड का मतलब ये होता है कि जितनी देर तक वहाँ पे हलचल होगी उतनी देर तक हमारा सिग्नल जो होगा वो हाई होगा। जैसे ही हलचल बंद होती है तो हमारा सिग्नल फिर से लो होगा, और फिर से जैसे ही हलचल वहाँ पे चालू होती है तो फिर से हमारी जो सिग्नल है वो हाई हो जाएगी। तो ये होता है रिपीटेबल मोड। अगर हम इस दो पिन को, इसके आगे वाले फर्स्ट वाले हम दो पिन में लगा दें जंपर सेट को, तो हमारा जो सेंसर है वो नॉन रिपीटेबल मोड में चला जाएगा। नॉन रिपीटेबल मोड का मतलब ये होता है कि जैसे ही इसके सामने से अगर कोई पर्सन गुजरता है या कोई एनिमल्स क्या होता है गुजरता है, तो सेंसर क्या होता है हमारा हाई सिग्नल देना स्टार्ट करता है। बट जैसे ही वहाँ से कोई जो पर्टिकुलर जो एक ह्यूमन है या एनिमल है वहाँ से वो हट जाता है, तो हमारा सेंसर टोटली क्या होता है वो लो सिग्नल में चला जाता है। बट दोबारा अगर हलचल होता है तो उसका जो सेंस करने की जो पावर होती है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये नॉन रिपीटेबल मोड मतलब ये है कि वो एक टाइम पे ही वहाँ पे अगर हलचल हो रहा है तो वो उसको सेंस करके हमको हाई सिग्नल हमको वो आउटपुट में दे सकता है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे जेनर डायोड वोल्टेज का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमारी सर्किट को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसको हाई वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जेनर डायोड हमारी इस सेंसर को, हमारी इस सर्किट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली हम लोग PIR सेंसर का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसका डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको सिक्योरिटी अलार्म के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग आजकल PIR सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग एनिमल प्लानेट में भी यूज़ करते हैं, जैसे गाँव में हमको अगर PIR सेंसर का यूज़ करना है तो हम अगर इसको खेतों में लगा रहे हैं और उसके आसपास कोई भी एनिमल्स आ रहा है तो वो हमको डायरेक्टली सिग्नल में आउटपुट दे देगा। मतलब हमको वो एनिमल को सेंस करके डायरेक्टली ये इंडिकेशन दे देगा कि वहाँ पे कोई एनिमल आ गया है, और जिससे आप क्या होंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो PIR सेंसर का यूज़ हम लोग डिफरेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं, हर एक लाइन पे हम लोग इस सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे और भी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। सो हमारे टेकबी के चैनल के साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।